हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौहीद और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल तौहीद। तो आप सभी को रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आईफोन की कुछ अमेजिंग सेटिंग के बारे में और कुछ अमेजिंग फीचर्स जो कि एंड्रॉइड में नहीं दिया होता है। एंड्रॉइड का अगर कोई 50, 60, 80 हज़ार का भी फोन लेता है ना, तो उसमें यह फीचर्स नहीं दिया होता है जो आईफोन फोन के एकदम कम से कम रेंज वाले फोन में देता है। जैसे कि आईफोन के ये फीचर का बात करेंगे, ये मुझे काफ़ी पसंद आता है कि डबल टप में आपका फ्लश ऑन हो जाता है और डबल टप में फ्लश ऑफ हो जाता है। तो ये ऐसा ही कुछ कुछ अमेजिंग अमेजिंग सेटिंग के बारे में आज हम बताएंगे जो कि आईफोन में देता है, एंड्रॉयड में नहीं देता है। तो सबसे पहला सेटिंग ये है कि जैसे ही आप अपने आईफोन पे पीछे में डबल टप तो ये करोगे फ्लश ना, जल जाएगा, डबल टप करोगे तो ये फ्लश ऑफ हो जाएगा। तो ये सेटिंग के बारे में बताएंगे और इसमें यही में अगर हम 3 बार टप करेंगे तो ये देखो स्क्रीन शॉट आ जाएगा 3 टप में, 1, 2, 3। ये तो ये कैसे होगा देखो, इसके लिए सबसे पहले जाएंगे हम अपने फोन के सेटिंग पे। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ ध्यान देना, चले जाना है एक्सेसिबिलिटी पे। एक्सेसिबिलिटी में यहाँ पे एक लिखा हुआ होगा टच, और टच पे आने के बाद यहाँ एक लिखा हुआ होगा बैक टच। ये देखो ये बैक टच है ना, तो ये ऑन है हमारा। तो इसे क्या करेंगे, ये देखो ये मैं अपने हिसाब से सेट किया हूँ कि डबल टच में टॉच और 3 टच में स्क्रीन शॉट। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, कैमरा कंट्रोल, हाइड, ऑफ, ऑन, सेक, बहुत सारा कुछ दिया हुआ है। आप अपने हिसाब से जो पसंद है आपको वो कर सकते हो। बात देखना, लास्ट वाला बहुत ही कमाल का सेटिंग है। जैसे कि ये है, ये हमारा फोन बंद है, ठीक है। अब ये देखना, ओपन माई आईफोन। देखा देखा, इसमें वॉइस कंट्रोलर दिया हुआ है। जैसे कि मैं कुछ बोलूंगा, मैं अपने आवाज सेट कर दूंगा ना, तो ये उस हिसाब से काम करेगा। जैसे कि देखो, ओपन माय आईफोन। अब ये देखो, ये अपने आप, मतलब ये लॉक अपने आप ले लेगा और ये लॉक ओपन हो जाएगा। ये देखो, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। ये सेटिंग कैसे होगा, इसके लिए जाना होगा हमें सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग पे। आपको जाना होगा एक्सेसिबिलिटी पे। एक्सेसिबिलिटी पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा वॉइस कंट्रोल, यहाँ पे जाना होगा और उसके बाद करना होगा कस्टम, और यहाँ कस्टम और उसके बाद क्रिएट न्यू कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो और उसके बाद आप अपना फ़ोन अनलॉक कर सकते हो या जो भी कमांड देना चाहते हो दे देना। ये देखो, इसमें फ्लश जल रहा है और ये फ्लश को मैं होम स्क्रीन को हल्का सा स्वाइप करूंगा ना इधर, देखो ये फ्लश ऑफ हो जाता है। तो ये इस फोन का फ्लश ऑन है, और ये मैं वॉलपेपर को हल्का सा राइट स्वाइप करूंगा तो ये फ्लश ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कैमरा है, इसे ज़्यादा घसकाओगे तो कैमरा खुल जाएगा। हल्का सा कैमरा खोलोगे तो आपका फ्लश ऑफ हो जाएगा। तो ये 3 अमेजिंग आईफोन का सेटिंग था। आपको कौन सा सेटिंग अच्छा लगा कमेंट में बताना, और अगर आपको कुछ और सेटिंग जानना है एंड्रॉइड के बारे में भी तो हमें कमेंट में बताना। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं हम आपसे जल्दी न्यू वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।